अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम्। इस श्लोक को अच्छे से समझने के लिए एक सुंदर और सच्ची कहानी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तृतीय मन्वंतर के उत्तरार्ध में एक महान तपस्वी ब्राह्मण दंपति हुए हैं जो भगवान शिव और माता गौरी के परम भक्त थे। दोनों ही अखंड तपस्या करते हैं जिससे प्रसन्न होकर प्रभु शंकर साक्षात प्रकट होकर वरदान मांगने की बात करते हैं। दंपत्ति अपने प्रभु शिव जी से अपने लिए पुत्र मांगते हैं। भगवान बोले कि हे भक्त शिरोमणि, हमारे पास दो पुत्र हैं जिसमें से एक की उम्र 120 साल है पर वो कुपुत्र है, दूसरा सुपुत्र है जिसकी आयु सिर्फ 5 वर्ष है। अब आप किस पुत्र को चाहते हैं? आपकी इच्छा है, हम वो पुत्र आपको दे देते हैं। उन दोनों ने एक स्वर में सुपुत्र मांगा। बालक बड़ा होने लगा पर ब्राह्मण दंपत्ति परेशान था कि 5 साल होते ही मेरा पुत्र मर जाएगा, परंतु होनी तो सबसे बलवान होती है। सुपुत्र तो सुपुत्र था और संस्कार भक्त शिरोमणि ब्राह्मण के थे, तो वो पुत्र जो भी साधु संत बड़ा ऋषि मुनि अपने उम्र से बड़ा कोई भी मिलता था उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेता था। संयोग से एक दिन नारद जी आते हैं, उसने वही काम किया, उनको प्रणाम और उनके चरण स्पर्श किए। नारद जी ने बच्चे के संस्कार देख करके बिना देखे उसके सिर पे हाथ रख करके चिरंजीवी भव बोल दिया, पर बालक की मस्तिष्क रेखा देख करके वो परेशान हो गए क्योंकि उसकी उम्र तो 5 साल ही थी जो पूरी होने में 1 महीना बचा था। माता पिता के सामने मुनिवर परेशान दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद दे चुके थे जो झूठा होने वाला था। नारद जी बोले कि आप इस बालक को मुझे दे दो, वैसे भी अब इसकी आयु समाप्त है। माता पिता ने बालक नारद को दे दिया। नारद जी बालक को साथ लेकर चल दिए और ब्रह्मलोक में जाकर अपने पिता के पास पहुँचे और सीधे जाके प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया। बालक ने तुरंत चरण स्पर्श दंडवत प्रणाम किया, चिरंजीवी भव का आशीर्वाद भी मिल गया। नारद जी हंसकर बोले कि ब्रह्मा जी का वचन मिथ्या होने वाला है, और सब बात बताई, कहा कि बालक सिर्फ 3 दिन का मेहमान बचा है। अब अपनी बात के लिए ब्रह्मा बालक के साथ विष्णु के पास गए और विष्णु भगवान के वहाँ पहुँचकर उस बालक ने ब्रह्मा जी के साथ नारद जी के साथ विष्णु जी और लक्ष्मी माता को प्रणाम किया। बालक ने भी वही क्रम विष्णु जी और लक्ष्मी माता का साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और सबने आयुष्मान भव का आशीर्वाद दे दिया। और फिर जब ये पता चला कि इसकी आयु आज ही खत्म होने वाली है, सारे भागे भोलेनाथ के पास और बोले कि प्रभु रक्षा करो। बालक ने वही आदत के अनुसार भोलेनाथ और माता गौरी को भी उसी तरह से प्रणाम किया। भोलेनाथ बोले चिरंजीवी भव। सभी हंस पड़े कि बालक तो आज संध्या काल में मर जाएगा, आयु खत्म हो चुकी है। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए धीर गंभीर वाणी में बोले कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे सप्तऋषियों, हे भक्त नारद, आप सब परम ज्ञानी होकर आज अज्ञानी कैसे बन गए? मैंने अपने सबसे बड़े भक्त की परीक्षा ली थी, उनसे कुपुत्र और सुपुत्र में से चुनने का अधिकार दिया था। भक्त ने बिना लालच सुपुत्र चुना, भले ही उसकी आयु 5 वर्ष हम बताई थी, पर कुपुत्र राक्षस को नहीं चुना और समाज के धर्म का भी पालन किया। अब सुनो, मेरे भक्त के बालक की आयु कितनी है? इसकी आयु मेरे 5 साल के बराबर है, मतलब मनुष्य के 100 साल के बराबर देवताओं का 1 दिन होता है और देवताओं के 100 साल के बराबर ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है और ब्रह्मा जी के 100 साल के बराबर भगवान विष्णु का 1 दिन होता है
और भगवान विष्णु के 100 साल के बराबर मेरा एक दिन होता है, और ऐसे दिन के 5 साल यह बालक जिंदा रहेगा। यही बालक महर्षि मार्कंडेय है जो पूरे 1000 मन्वंतर तक जिंदा रहेंगे। मन्वंतर मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर कलयुग, सबको मिलाकर एक मन्वंतर। ऐसे 1000 मन्वंतर तक वो बालक अजर अमर है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब सिर्फ ये है कि प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना बहुत अच्छा संस्कार होता है। अपने से बड़ों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए, उससे आयु, विद्या, यश और बल सबकी अभिवृद्धि होती है, सब बढ़ते हैं। जो भगवान शंकर ने मार्कंडेय जी को दिया, तो वो सिर्फ भगवान शंकर की कृपा नहीं अपितु सब जब से वो शुरू हुआ तब से लेकर के और भगवान शंकर तक पहुँचते पहुँचते उसने कितने लोगों से चिरंजीवी भव का आशीर्वाद लिया। उस आशीर्वाद के फलस्वरूप उनकी उम्र जो 5 साल थी वो 1000 मन्वंतर की हो गई। ऐसे हैं हमारे भगवान भोलेनाथ। बोलो जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।